जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित नागरिकता शिविर में पाक विस्थापितों 48 वर्षीय मोती, 46 वर्षीय लाछा, 79 वर्षीय मां अनीमा सहित कई लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। सभी को फूल माला पहनाकर बधाई दी है। पाक विस्थापितों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार प्रकट किया है। इस मौके पर कलेक्टर प्रताप सिंह और सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारतीय नागरिकता मिलने वाले लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने। पाकिस्तान से जुल्मो सितम के बाद हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में रहे, लेकिन लंबे समय से भारत की नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज इन 11 जिस तरीके से पाक विस्थापितों को है वो नागरिकता मिल चुकी है और कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों में काफी खुशी का माहौल है और इनका कहना है कि आज इनका पुनर्जन्म हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आज जिला कलेक्टर ने जिस तरीके से है इन 11 पाक नागरिकों को है वो भारत की है वो नागरिकता दी है और कहीं ना कहीं महिलाओं में है वो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए वृद्ध महिलाएं भी है जो उम्र के कई तकाजे उन्होंने निकाल दिए हैं, लेकिन आखिरकार उनको भारत की नागरिकता है वो मिली है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कितनी खुशी का माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं हम, आज भारत के हो गए, बहुत खुश हैं हम, हमारे को बहुत खुशी है। हम हिंदू सिंह सोढ़े को, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। कितनी नागरिकता के लिए संघर्ष किया, क्या किया? बहुत किया, अभी बहुत हो गया, खुशी है अभी, अभी हम खुश हैं। आपको घर घर में किस किस को नागरिकता मिली है? आपके घर में दो जने। बिल्कुल, कैसी खुशी देखी जा रही माँ? अच्छी है जी। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी को लेकर? बिल्कुल खुशी बहुत है इनको। वृद्ध महिलाओं से बात करते हैं, उम्र का कई तकाजा निकाल दिया, कैसी परेशानी पाकिस्तान में थी, अब कैसी खुशी देखी है? घनी खुशी देखी है बाबू, घनी खुशी देखी है, बस धन्यवाद बजा। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के माहौल में? बहुत खुश है। अब कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, अब नहीं होगी परेशानी। क्या नाम है आपका? मानो केकू है। केकू जी, कैसी खुशी है, क्योंकि पारिक खुशी है भाई। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार का, जिला कलेक्टर का? घणी ओथी खबर आता है थी भाई, मोदी रे घणी होती करी है। कितना संघर्ष किया, कितने साल से भारत में रह रहे हैं? 10 साल है। करीब 10 सालों से हैं वो भारत में रह रहे हैं और लगातार जिस तरीके से है वो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष में जिस तरीके से सम्मिलित हैं, कितनी खुशी देखी जा रही है। आज लंबे समय बाद है 11 जिस तरीके से विस्थापितों को है भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, अब ये भी भारतीय कहलाएंगे। आप देख रहे हैं कि लोग कितने खुश है, ये मेरी माताएं बहनें और जो पितातुल्य बुजुर्ग है ये जी भर के धोल भर भर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने जो प्रयास किया ये भगवान की तरफ से कोई मुझे वरदान था। जब जब कलेक्टर साहब से मिला तो कलेक्टर साहब ने पूरा सहयोग किया और आज भारत 11 पाकिस्तानी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। और आज आपको बताता चलूँगा, जैसलमेर में भारतीय नागरिकता की 2016 से लेकर 2024 8 वर्ष में 50 पूरी हो गई। आज जो नागरिकता दी गई इसके साथ 55 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से 55 लोगों को है वो भारतीय नागरिकता अब तक है वो मिल चुकी है और कहीं ना कहीं अचतक है वो नागरिकता को लेकर वो जुटा दिया है। कुछ अनेक नागरिक, कैसी खुशी देखी जा रही है, दिवाली जैसा माहौल लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत नागरिकता मिल गई है बहुत बहुत खुशी है सर, नागरिकता मिल गई है हमें। अब नागरिकता मिलने के बाद क्या करेंगे? करेंगे कोई मेहनत मजदूरी धंधा करेंगे सर, बहुत खुशी है हमें। कलेक्टर की धन्यवाद है, हिंदू सिंह की धन्यवाद है, दिलीप सिंह की धन्यवाद है, बहुत है, हमें नागरिकता मिल गई है इन्हें इन्हें की प्रकार से। बिल्कुल, जिस तरीके से करीब 55 लोगों को अब तक है वो जैसलमेर में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और कहीं ना कहीं 11 विस्थापितों को आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद है, इन नागरिकों में काफी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि दिवाली जैसा माहौल है और ये सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।